और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नू और सोना में हुआ हिंसा की अब जो आँच है गुरुग्राम तक पहुंचने लगी है गुरुग्राम के सेक्टर सत्तर ए में दो दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है और यह आगजनी मंगलवार रात को हुई थी सेक्टर सेवेंटी ए में एक कबाड़ी की दुकान और एक पंचर वाले की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया था और इसके अलावा एक झुग्गी को भी आग के हवाले किया गया था जिन दुकानों में आग लगाई गई है उनके मालिक दिन में ही दुकानें छोड़कर निकल गए थे और रात को यह आगजनी हुई थी आगजनी की सूचना मिलने के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन ये सुबह फिर भड़क गई आज सुबह फिर फायर ब्रिगेड उसी जगह पर पहुंची है जहां पर कल आगजनी हुई थी आज सुबह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और ये आग कबाड़ के गोदाम में लगाई गई है जहाँ छिटपुट चीजों के बीच चिंगारी की वजह से आग फिर से भड़की है और अब आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है जो रात के वक्त भी यहाँ से लपटे उठ रही थी कुछ पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं ये किस टाइम से चल रही रात को करीबन बारह बजे हमारे को पता लगा फायर ब्रिगेड आके इसको बुझा गई थी आग को बट ये अभी हवा चलने के कारण गत्ते में आग लगी हुई थी जो अभी आध घंटे पहले फिर भड़क गई है फायर ब्रिगेड को बोल दिया वो आ रही इसको फिर बुझवा रहेगा ये जानकारी मिली है कि ये किसने आग लगाई क्या हुआ हर इस चीज की जानकारी हमारे को नहीं है मोबाइल वन टू पे हमारे पास कॉल आई थी रात को जैसे आग लगी अधिकारी आ गए थे इसको बुझवा दिया गया था और हम अपने ड्यूटी पे चले गए थे और जैसे अब अब पता लगा आप हम फिर दोबारा आ गए हैं अब तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक एक कबाड़ की दुकान थी जहां पर कल रात को आग लगाई गई थी लेकिन जैसा कि यहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि अचानक फिर जो सुबह जब हवा चलने लगी तो जो गत्तों में आग लगी हुई थी उसमें एक बार फिर से आग भड़की जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया और फायर ब्रिगेड ने आकर यहाँ पर एक बार फिर से आग को बुझाया है की घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि वो किसी भी तरह की घटना होने पर फौरन पुलिस के कंट्रोल रूम 112 पर फोन करें और साथ ही पुलिस ने रात को फ्लैग मार्च भी किया इस फ्लैग मार्च में भारी तादाद में पुलिस अफसर के साथ सिपाही भी थे तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स की जो बटालियन है उसको मैदान में उतारा गया सड़कों पर गश्त लगाए गए और पूरी रात इसी तरह से पुलिस के यहाँ पर पेट्रोलिंग चलती रही और ये वो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक पंचर की दुकान और साथ ही वहां पर मौजूद एक कबाड़ी की दुकान में आग लगाई गई थी और जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इतलाह दी गई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर वहां पर आग पर काबू पाया और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं नू की घटना हुई थी नू की तस्वीर आप देख रहे हैं और नू में गाड़ियां जलाई गई थी पत्थरबाजी हुई थी पुलिस के को फूका गया था और उसके बाद ही धीरे धीरे उसकी जो आग है उसके सटे इलाके गुरुग्राम तक पहुंची सोना रोड उसके बाद गुरुग्राम तक ये आगजनी देखने को मिली इस वक्त मैं सेक्टर 70 में मौजूद हूं गुरुग्राम के और आग के लपटे आप जो देख रहे हैं कबाड़ की दुकान थी जो रात के वक्त भी यहाँ से लपटे उठ रही थी कई जो लोग हैं वो ये शक जाहिर कर रहे हैं इस तरह की बातें कही जा रही है जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में पिछले अगर दो दिनों में हम देखें चाहे सोना इलाका हो या फिर दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग जगहों पर दुकानों को जलाया गया है ये भी उसी का एक हिस्सा है ये तमाम चीजें ये बातें कही जा रही है और जो दुकान का मालिक था हमें जो जानकारी मिली है वो सुबह के वक्त ही यहाँ से भाग गया था और शाम होते होते इस दुकान को इस कबाड़ की दुकान को आग लगा दी गई आपको देखिए अब आप फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुँच रही थी रात के वक्त लब, जो लपटे थी आग की वो बहुत ज्यादा थी एक और आ, सामने में दिखाने की कोशिश करूंगा अभी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है देखिए वो यहाँ पर पहुंची है ताकि इस आग को भी बुझाया जा सके गुरुग्राम में अलग, अलग अलग जो जगह है कई ऐसे इलाके हैं पिछले दो दिनों में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में इसी तरह से दुकानों को निशाना बनाया गया है मेवात में जो हिंसा हुई है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो असर है वो नू के बाद गुरुग्राम में नजर आ रहा है और कई ऐसी बातें सामने आई है जब टारगेट करके यकीनन दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो ग्राउंड में नजर आ रहा है अलग अलग जगहों पर वो चाहे कबाड़ की दुकान हो या फिर दूसरे जो सामान है उन तमाम चीजों को देखे तो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब इस आग को बुझाया बुझाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार कह रही है कि हालात नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक बड़ा चैलेंज हरियाणा सरकार के सामने है गुरुग्राम जो प्रशासन है उसके सामने है आसपास के जो जितने भी जिले है चाहे वो पलवल हो मेवात के आसपास के अगर इलाकों की बात करते हैं नू जिले नू की बात करते हैं आसपास के इलाके की तो चाहे पलवल हो गुरुग्राम हो या दूसरे जो जिले हैं उन तमाम इलाकों में एक बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है कि इस तरह की जो घटना है उनको रोका जा सके ताकि ये हालात और ज्यादा खराब ना हो और और ज्यादा दुकानों को निशाना ना बनाया जाए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बार गुरुग्राम के 70 ए सेक्टर की है जहां पर एक कबाड़ की दुकान में जो आग लगाई गई थी तो उसमें कबाड़ होने की वजह से अचानक फिर से आग भड़क उठी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जलन से प्लास्टिक पेपर और साथ ही गत्ते रखे होते हैं जिसकी वजह से रात को इसमें तो आग पर तो काबू पा लिया गया था लेकिन एक बार फिर से सुबह जब हवा चलने लगी तो जो चिंगारी थी वो और भड़क गई और आग लगी जिसके बाद एक बार फिर से वहाँ पर फायर ब्रिगेड ने पहुँच कर आँख को बुझाने के लिए अपनी कोशिश शुरू की अब आपको बताते हैं कि आज स्थिति क्या है कहाँ कहाँ पर नू में अभी भी कर्फ्यू जारी है नूह के अलावा गुरुग्राम रेवाड़ी पलवल, फरीदाबाद सोनीपत पानीपत और महेंद्रगढ़ समेत नौ जिलों में धारा एक लागू कर दी गई है तो ये नौ नौ जिले हैं जो आसपास के जहाँ पर एहतियातन एक धारा लागू की गई है नू में तो कर्फ्यू जारी है इंटरनेट सेवा बंद है वहाँ यहाँ तक कि एसएमएस पर भी जो सेवा है उसे बंद रखी गई है ताकि किसी भी तरह से लोगों को फिर से उकसाया ना जा सके कोई भी को गलत भी या फिर आप कह सकते अफवाह ना फैलाया जा सके जिसके मद्देनजर वहां पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है और करीब 48 घंटे का यानी कि आज भी वहां पर कर्फ्यू लागू है नुह में जहां पर हिंसा भड़की थी बहरहाल उसके साथ के जो आप इलाके देख रहे हैं जैसे कि जो जिले हैं जैसे गुरुग्राम है रेवाड़ी है पलवल है फरीदाबाद सोनीपत पानीपत और महेंद्रगढ़ में भी एहतियातन इन इलाकों में इस वक्त धारा एक लागू कर दी गई है अब नू का हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पर कर्फ्यू लागू है अभी भी इननेट इंटरनेट सेवा बंद है और साथ ही धारा एक सौ पर लगा दी गई है और इस वक्त वहाँ पर करीब सोलह जो कंपनियाँ हैं जो सेंट्रल फोर्सेस की है वो तैनात है जिसमें आईटीबीपी भी है बीएसएफ एस भी है सी भी है तैनात किया गया इसके अलावा करीब करीब इतनी ही बड़ी तादाद में वहाँ पर जो हरियाणा पुलिस की जो फोर्सेज हैं उन्हें भी वहाँ पर तैनात करके रखा गया है तो बड़ा एक अमला है अब नू गुरुवाम रेवाड़ी पलवल और साथ ही फरीदाबाद सोनीपत पानीपत महेंद्रगढ़ ये तमाम वो जिले हैं जो नूह के आसपास यानी मेवात के आसपास से लगे हुए सटे इलाके हैं जहां पर इस वक्त एहतियातन धारा एक लागू किया गया है हरियाणा हिंसा के मामले में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है और हालात की जानकारी भी ली है नूह और सोना हिंसा के मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और साथ ही आरोपियों की पहचान की जा रही है अभी तक 70 के करीब लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री की सोलह जो कंपनियां वो तैनात है और हरियाणा पुलिस की तीस कंपनियां तैनात कर दी गई है ताकि में भी हिंसा हुई थी और सोना रोड में भी उसके बाद जो हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर करीब 44 एफआईआर दर्ज हुए हैं और 70 के करीब या उससे ज्यादा अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और लगातार पुलिस अब लोगों की पहचान करते हुए अरेस्ट कर रही है और साथ ही इस मामले में जो वीडियोज आए हैं सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए भी पुलिस पहचान किए जा रही है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर